हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे हमने पहले ले लिया सबसे पहले पानी। पानी को हम रख देंगे बॉईल करने। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार। उसके बाद जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता, तो जब तक हम इसे बॉईल करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता बॉईल आने के बाद। बॉईल आ चुका है, उसके बाद हमने पास्ता ऐड कर। तो ये हैं हमारी वेजीज, कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन एंड ब्लैक पेपर पाउडर, बटर, मिल्क एंड मैदा, जो हमारा यूज़ होगा सामान। तो जब तक हमारा बॉईल नहीं हो जाता, हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें बटर डाल लिया है। बटर डालने के बाद हमने उसमें कैप्सिकम ऐड कर दिया एंड अनियन। अनियन और कैप्सिकम ऐड करने के बाद हम इसे सौते कर लेंगे। इतने हमारा पास्ता भी बॉईल हो रहा है, तो जब तक ये पूरा रेडी हो जाएगा, कम्प्लीटली बॉईल हो जाएगा, जब तक हम अपनी जो है सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सौते हो रहा है कैप्सिकम और अनियन। इसके बाद हम इसमें कॉर्न भी ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वेजीज को थोड़ा सा क्रंची रखना है हमें। देन इसके बाद हम मिल्क शामिल कर देंगे इसके अंदर। 1 कप के करीब मैंने मिल्क लिया था इसके अंदर। फिर इसके बाद हम 3 टेबलस्पून के करीब लेंगे मैदा। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए आपको क्रीम ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं मिल्क और मैदे की, इससे डबल कर दीजिए आप। अगर आपको क्वांटिटी थोड़ा क्रीम की ज़्यादा चाहिए या पास्ता आपका ज़्यादा है तो। देन ये उसके बाद हमारी बनके रेडी हो चुकी है थिक क्रीम, देख सकते हैं आप। इसका टेक्सचर इतना ही होना चाहिए, वरना ये धीरे धीरे करके और गाढ़ी होती चली जाएगी। उसके बाद ये हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया इसके अंदर और थोड़ा सा ओरिगैनो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा ओरिगैनो लिया था मैंने, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे, जो हमारा बॉईल हो चुका है। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें बाद में थोड़ी सी और सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है डन। सो ये है हमारा फाइनल लुक वाइट सॉस पास्ता का। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, ये विदाउट चीज़ रेसिपी थी। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।